कहा जाता है उत्तर प्रदेश ही वो सीढ़ी है जिसके सारे केंद्र की सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। जिसने भी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर दबदबा बना लिया मानो उसने लोकसभा चुनाव की आधी जंग जीत ली। लिहाजा इन 80 सीटों पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन का फोकस है। दरअसल सत्ता के लिए 7 चरणों में हो रहे चुनाव में के 4 चरण हो चुके हैं। यूपी में भी 4थे चरण में 13 सीटों पर मतदान हो चुका है और अब 5वें चरण की उन सीटों पर भी सबकी निगाह है जो हाई प्रोफाइल है। उनमें से एक सीट है रायबरेली और आज सत्ता के महासंग्राम में रायबरेली की सीट की पड़ताल होगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। रायबरेली लोकसभा सीट गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक ने यहां जीत दर्ज की है। लिहाजा इस सीट पर जबरदस्त जंग देखने को मिल रही है। बीजेपी और कांग्रेस इस सीट को जीतने के लिए हर पैंतरा आजमा रही है। अपना अपना गणित लगाकर यहाँ जीत दर्ज करने की कोशिश हो रही है। तो जनता भी खामोशी से नेताओं के दाव पेंच का आकलन कर किसको चुने इसका मन बना रही है। लेकिन रायबरेली के रण में जीत का झंडा कौन लहराएगा, यह सबसे अहम है। तो आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। सांसद जी के काम का आकलन जनता से करवाएंगे। जनता खुद बताएगी कौन है कितने पानी में। तो चलिए सत्ता के महासंग्राम में बात करते हैं रायबरेली लोकसभा सीट की। जब जब रायबरेली लोकसभा सीट की बात होती है तब तब लोगों के जहन में एक परिवार का नाम आता है और वो है गांधी परिवार। पीढ़ी दर पीढ़ी इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा, इसलिए इस सीट को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। यहाँ से कांग्रेस 16 बार चुनाव जीती है। इस सीट पर सिर्फ 3 बार गैर कांग्रेसी उम्मीदवार की जीत हुई है। आपातकाल के बाद साल 1997-77 के चुनाव में जनता पार्टी के राजनारायण को जीत मिली थी और 1996 से 1998 तक 2 बार बीजेपी के अशोक सिंह ने जीत हासिल की। इसके अलावा इस सीट पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही जीत मिली है। इस सीट से इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी ने कई बार जीत दर्ज की, जबकि सोनिया गांधी ने कई चुनाव यहाँ से जीते। हालांकि ये वही सीट है जिस पर कई ऐसे नारे गूंजे जो देश भर में चर्चा का विषय बने रहे। सबसे पहला लोकप्रिय नारा सन 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ रहा। इस नारे की गूंज गली गली तक रही और इंदिरा गांधी को लोगों ने हाथों हाथ लिया। इसी के साथ इंदिरा के समर्थन में एक और नारा लोकप्रिय हुआ, जात ना पात पर इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। वही 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा जैसे नारे ने पूरी रायबरेली में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की लहर पैदा कर दी। इतना ही नहीं, 1996 और 1998 में रायबरेली के चुनावी मैदान में राज तिलक की करो तैयारी आ रहे अटल बिहारी को खूब लोकप्रियता मिली थी। तो 2004 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी जब पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ने उतरी तो सोनिया नहीं आंधी है दूसरी इंदिरा गांधी है की गूंज रही। हालांकि इस बार राहुल गांधी अपना अंतिम किला बचाने के लिए यहां उतरे हैं और उनकी टक्कर बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह से होगी। हालांकि इस बार कौन किस पर भारी पड़ेगा, जनता के मन में क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रबोध मिश्रा, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, राज शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हैं, नीरज मेहरे वरिष्ठ पत्रकार और हमारे संवाददाता अमर प्रताप सिंह भी जुड़ेंगे रायबरेली से। चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राज शर्मा जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? शर्मा जी, हाँ आ रही आवाज। राहुल गांधी अपनी विरासत बचाने के लिए या कहें विरासत को संभालने के लिए मैदान में उतरे हैं वायनाड के बाद, अब रायबरेली से अमेठी छोड़ चुके हैं। क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं छोड़ता। इंडिया एक है, कहीं से भी कोई लड़ सकता है। ये तो बीजेपी वाले निकम्मी बातें करते हैं। दो जगह से लड़ना है ना, एक जगह से तो छोड़ना ही पड़ेगी। वो बात की बात है, पहला चुनाव तो प्रधानमंत्री जी भी लड़े थे ऐसी। मैंने कोई किसी से लड़ सकता है? ये कहीं कानून में कोई लिखा है कि दो से नहीं लड़ सकता? नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना, संविधान में अधिकार है, दो से जगह चार से भी लड़ सकते हैं, लेकिन एक तो छोड़ना पड़ेगी। क्या डर है कहीं किसी एक सीट पर हारने का, जो दो दो सीट पर लड़ रहे हैं? आपने कहा प्रधानमंत्री भी लड़े थे तो वो पहली बार लड़े थे, शायद उनको भी ऐसा डर रहा हो। अब राहुल गांधी को है क्या? नहीं, गांधी फैमिली डरती नहीं किसी से, वो लड़ने का है। जब ये चैलेंज गांधी फैमिली ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, जब ये लोग कहते हैं नहीं आ रहे नहीं आ रहे, इनका काम है देश के बारे में बात ही नहीं करना, तो इसलिए करके, क्योंकि जब आपने कह दिया तो लड़ रहे। और मेरा तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपना परिवार देके दूसरी पार्टी पे, तो अमेठी से भी तो लड़ सकते थे, रायबरेली से क्यों, सुरक्षित सीट पर क्यों जाना जहां से अब तक कोई हारा नहीं?
अधिकांश बार तो मैं ये कह रहा कि प्रधानमंत्री जी भी कहीं और से लड़ लेते, वही रायबरेली से लड़ लेते, क्या फर्क पड़ रहा था, लड़ ले। अगर इतना ही चैलेंज एक्सेप्ट करना है तो हमारे नेता ने तो कह दिया डिबेट करने चलिए, जहां गंगा में वो रो रहे थे। हमारे नेता ने तो फोरकास्ट 26 अप्रैल को बता दी थी कि अभी नरेंद्र मोदी जी रोएंगे, और देख लीजिए कल रो रहे थे। अब उसी तट पे उसी नाव में आ जाएं, डिबेट कर लें हिंदुस्तान के तो सारे, हो सकता है कि सारे आपके नेता को पता हो कि एक जगह से हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा दो जगह से लड़ लेते हैं। भविष्यवाणी अच्छा करते हैं ना, आपने कहा वो कह रहे थे प्रधानमंत्री रोएंगे तो रोने लगे, तो ये भी पता होगा खुद के बारे में भी। ऐसा कुछ नहीं होता है, दुनिया में कितनी जगह रह गए, सारे नेता बड़े बड़े नेता दो दो जगह से लड़े, बात सवाल होता ही नहीं है कि क्या है। और पॉलिटिक्स में तो आप अब आ जाए, आप पॉलिटिक्स में कौन नहीं हार सकता, क्या मोदी जी नहीं हार सकते? सब हार सकते, हारे तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी थे और हारी इंदिरा गांधी भी थी, बताइए। तो हार कोई भी हो सकता है, देखिए ये जनता है ब्रजेश भाई, ये जनता है, और भारतीय जनता घुंघरू की तरह टूट चुकी है, ये इसलिए इधर उधर की बात करती है। और मैं इनको सलाह दे दूं, कहावत है जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारने चाहिए, मैं कहता हूं जिनके घर शीशे के हैं उन्हें पत्थर की तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप ही मान रहे हैं ना, दोनों जगह से जीत रहे हैं राहुल गांधी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इस्तीफा कहां से देंगे? अब ये तो बात की बात है, ये तो वही ये वो जानेंगे, मैं प्रवक्ता हूं, उनका पीए कोई हूं नहीं। हाँ, पार्टी की प्रवक्ता है ना, पार्टी कहीं से तो रणनीति बना रही होगी कि दोनों जगह जीतेंगे तो यहाँ से देंगे। गर्भ में है उसका, किसी बच्चों को पैदा होने के बाद नाम रखा जाता है, गर्भ में नहीं रखा जाता कभी। मतलब डर है कहीं ना कहीं कि हार सकते हैं। फिर ये आपका है, मैं कह सकता हूँ, समझने की अकल किसी को नहीं दे सकता। अच्छा, एक जगह से तो देना ही पड़ेगा ना, दोनों जगह से जीते। नहीं, मेरी बात ही नहीं समझ रहे, वो तो वो डिसाइड करेंगे कहाँ से देंगे, तो वो जनता के साथ धोखा नहीं होगा क्या? क्या तो इसका मतलब उन्होंने समर्थन दिया और आपने इस्तीफा देकर चले गए, चाहे रायबरेली से दो चाहे वायनाड से दो। ब्रजेश भाई अगर ये धोखा है तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने भी धोखा किया था, कहिए इसका जवाब तो लेंगे ना, मिश्रा जी बैठे हैं उन्हीं के पास पहुंच रहा हूं आपके पास। नहीं नहीं नहीं, अभी तो आपसे बात करना होगा, आपको पूछना होगा ये सब, वरना मैं समझ जाऊंगा बायस हो आप। अरे बायस नहीं है, अभी तो उनके पास जाऊंगा, अभी तो सवाल जवाब आपसे हो रहे हैं। हाँ ठीक, आप इतने जल्दी घबरा गए आप शर्मा जी। मैं नहीं घबराता, मैं सन 2014 से पहले का पैदाइश हूँ, सन 2014 के बाद वाले नाबालिग लोग घबराते होंगे, मैं नहीं घबराता हूँ। 14 के बाद के घबरा रहे हैं, 14 छोड़ छोड़ के आपके यहाँ से आ रहे हैं बीजेपी में, ये 14 के बाद के हैं या पहले के? ये पहले के हैं, वो भी तो घबरा रहे हैं, मतलब कांग्रेस में भी घबराने वाले लोग हैं ना। चलिए, बहस हमारी दूसरी दिशा में चली जाएगी, प्रमोद मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दो जगह से लड़े थे, क्या वो घबरा कर लड़े थे, डर से लड़े थे? यदि वो दो जगह से लड़ रहे हैं तो सवाल क्यों उठा रही बीजेपी कि बायनाट से भाग जाएंगे शहजादे, कह रहे हैं आपके प्रधानमंत्री? बहुत सी बातें इन्होंने कही और ये तो बाद में, अब इन्होंने ये कहा कि हार तो सभी जाते हैं, लोकतंत्र में चुनाव होंगे, चुनाव में पराजय और जय यह तो जनता के हाथ में है। तो राज शर्मा जी ने ये बहुत बात की, इन्होंने कहा कि हार तो अटल जी भी गए थे और पराजय तो इंदिरा जी का भी हुआ। मूलभूत अंतर को समझने की आवश्यकता है यहाँ पर, पराजय को विनम्रता से स्वीकार कौन करता है? इंदिरा जी ने पराजय को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने न्यायालय के निर्णय तक को धता बताते हुए पूरी अपनी महत्वाकांक्षा के कारण पूरे देश को आपातकाल की कालकोठरी में झोंक दिया। पराजय में विनम्रता और मूल्यांकन होना चाहिए, पराजय में पलायन नहीं होना चाहिए। पराजय में अमेठी ने पराजय के बाद जब जनादेश आया तो युवराज वहां चले गए और 5 वर्षों तक एक बार भी नहीं आए मुड़ करके। 5 बार तो क्या, एक बार भी नहीं आए, न्याय यात्रा के समय में एक बार उन्होंने अमेठी की धरती को टच किया, उससे ज्यादा तो बैंकॉक चले गए। और अगर जो अभी बता रहे थे कि हमारे नेता हैं, मैं उनका प्रवक्ता हूं, मैं उनका पीए तो नहीं हूं, अरे वाह क्या बात है, मतलब सोचिए कि किस तरह से परिभाषित स्वयं को कर रहे हैं। और स्वयं पर भी विश्वास नहीं, नेता पर भी विश्वास नहीं, नीतियों पर भी विश्वास नहीं, नियत तो कहीं है ही नहीं है राष्ट्र सेवा की। और तो क्या कहें,
40 वर्ष ही गिना रहे हैं, दादा की बात नहीं करते। अभी फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर प्लांट वहां पर लगा हुआ है, उसकी कभी उसका कभी उल्लेख नहीं करेंगे। रोचक तो ये होगा कि वहां पर रायबरेली में खड़े होकर के रायबरेली के जनता के बीच में स्वर्गीय फिरोज गांधी जी का भी एक बार नाम ले लें और ये भी बतावें कि मैं अपने पूरे जीवन काल में अपने परदादा के की समाधि स्थल पर कभी नहीं गया। देखिए मैं आपके यहाँ रैली में नहीं आया हूँ। देखिए बीच में मत दादा की बदतमीजी से बातें करोगे बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे उन्होंने ही अपना ये शब्द यूज किया है और आपके नेता ने ही शब्दों का प्रयोग किया। आप जैसे नाबालिग लड़कों ने देश को बर्बाद कर दिया, आप बोलेंगे क्या? आप बोलने की तहजीब नहीं होगी आपको? और मैं आपकी रैली में आया हुआ हूँ क्या कि सुनता ही रहूंगा? शर्मा जी अभी तो कोई मुझे लगता नहीं है, मैंने नहीं सुनी ये कौनसी ऐसी बात बोल दी उनने जो आपके नेता ने, आपके नेता उन्होंने तो नाम लेने को कहा है कि एक बार फिरोज गांधी का भी नाम ले लेना वहाँ पर। मैंने आप फिरोज उनकी समाधि स्थल पर चले जाना ये कहा है? फिरोज गांधी कैसे बोलते हैं आप अपनी उम्र का तो ध्यान रखेंगे? और क्या कहा जाता है? दादा नहीं कहा जाता है? और क्या कहते हैं आप अपने पिता के पिता को? क्या कहते हैं मुझे आप ये बताइए कैसे कैसे नेता हैं आपके? आपके नेता कैसे बताइए? रोते हैं बच्चों की तरह रोते हैं, जैसे बच्चा स्कूल जाने से पहले रो रहा है। राज शर्मा जी जरा धैर्य रखिए, झूठ बोलते हैं। अच्छा आप बताइए आपका नेता कितने कितने स्टेट को पहला राज्य बनाएगा? और इसमें कह देते हैं पहला स्टेट बनाऊंगा, राज शर्मा जी अमित शाह कह देते हैं नंबर वन के प्रदेश बनाऊंगा। आप लोगों को यही नहीं समझ आ रही है? ब्रजेश जी आज यही तो बात है, आप पुलिंदा क्यों बन रहे हो? बचकानी बात हो गई शर्मा जी, उम्र तो देख लीजिए मिश्रा जी की कब पैदा हुए, 2014 के बाद के कोई इंसान ही नहीं, सारे डरपों के। आप उन बच्चों का उन माँ बाप का किस तरह से अपमान कर रहे हैं, 2014 के बाद सारे डरपोक पैदा हुए, ये कौन सी बात हुई? 2014 के बाद जो आर्मी में जाएगा वो डरपोक हो गया? क्या बात कर रहे हो शर्मा जी, बचकानी बातें आप कर रहे हो। आर्मी को तो खत्म कर ही दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया आपने, बहुत बड़ी बनता होता है। कंगाली एक शख्स है पता है, आज तक 4 साल का, अरे जिसका पिताजी पेंशनर होगा और लड़का उनके होते होते ही पेंशनर होके आ जाएगा 4 साल में। ठीक है ब्रजेश जी, इन्होंने कहा कि इन्होंने अभी ये कहा ना कि अभी तो बच्चा गर्भ में है, तो गर्भ के बच्चे को थोड़ा बड़ा हो जाने दीजिए, अभी इनको ज्ञान नहीं है। गलत, तो गलत, ये क्या गलत, पता इनको बड़ा नहीं कहा, बड़ा नहीं कहा। अरे आप लोग क्या समझते हो ये बताओ? इनके नेता, इनके नेता, इनकी नेता जगह जगह घूम के बताएंगे दादी ने, दादी शहीद हो गई तब रोएंगे, पिता शहीद हो गए इस नाम पे रोएंगे, दक्षिण भारत में जाकर के उसका कभी नाम ले लेंगे नहीं लेंगे, क्योंकि वो दल जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में थे, शामिल थे, उनके साथ गलबहियां करके चुनाव लड़ना है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा ये होती है। राज शर्मा जी थोड़ा सा ज्ञान लेकर के आइए, और आपकी नाराजगी मैं समझता हूं क्योंकि फिरोज गांधी जी का नाम ले लिया इसलिए आप। यही तो गलती है, देश को ज्ञान ही आपकी कमजोरी है, यही आपकी कमजोरी है। थोड़ी सी सच्चाई की बात दबा दे तो आपको शौक लग जाता है। आपने लूट लिया ना, इधर सुन लीजिए, थोड़ी सी सच्चाई दबा दे, ज्ञानी नहीं बना पा रहे हो। साइकिल गुरु की पोजीशन नहीं बनाते, साइकिल की पूरी 1400 एकड़ जमीन को लूट के खा गए इस परिवार ने, अमेठी बगल में। ये आपके अंदर का पूर्व ग्रह से जो घर्षित हो, पूर्व ग्रह से जो घर्षित हो, ये आप बोल रहे हो जो जो आप अंदर से टूटे हुए हो ना, घुंघरू की तरह बिखरे हुए हो, ये वो। चलिए मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास, चलिए मैं लौट रहा हूँ। ऐसी चर्चा होती है क्या? राज शर्मा जी को समझाइए, यहाँ टीवी पर आए हैं चर्चा करने। लौट रहा हूँ मैं आप दोनों के पास। नीरज जी, क्या असल मुद्दों पर चुनाव हो रहा है वहां पर? चर्चा नहीं होती है। और एक और सवाल है मेरा कि यदि कोई व्यक्ति दो जगह से चुनाव लड़ रहा है तो ऐसी कोई गाइडलाइन बनना चाहिए चुनाव आयोग को कि यदि दोनों जगह से जीतता है, एक जगह से जीते तो उससे पूरा खर्चा लेना चाहिए, क्योंकि जनता का पैसा है। तो दो दो जगह से चुनाव लड़ो और एक दोनों जगह जीत जाओ तो एक जगह से इस्तीफा दे दो। देखिए ब्रजेश जी, पहला जो सवाल आपने पूछा कि क्या स्थानीय मुद्दों पे चुनाव हो रहा है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, पानी, बिजली, इन सब चीजों पे चुनाव में अब कोई चर्चा नहीं हो रही है, ना ही कोई बात करना चाह रहा है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। और रही बात जो चुनाव वाली बात कही, चूंकि ये दो जगह से लड़े या चार जगह से, ये चूंकि फैसला इलेक्शन कमीशन को लेना है, हम और आप तो केवल इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जहां
हमारी जानकारी है निकलता है ना नीरज जी, हम भी यही चाहते हैं चुनाव आयोग संज्ञान ले, क्योंकि जनता का पैसा है, खर्च होता है, दो दो जगह से लड़ते हो आप तो। बिल्कुल, चुनाव आयोग को सबसे पहले इस चीज का भी संज्ञान लेना होगा कि अब तक जो है अलीगढ़ में हो, मथुरा हो या उन्नाव हो, जहां लोग मतदान ही नहीं कर रहे, बहिष्कार कर रहे हैं, चुनाव आयोग को पहले इस इन चीजों पे ध्यान दे। और चुनाव आयोग दूसरी जो चीज है महत्वपूर्ण, जो सारे राजनीतिक दलों के लिए घातक है, हानिकारक है, कि इलेक्शन कमीशन और सारे राजनीतिक दल चाहते हैं, और हमारा और आपका भी देश की जनता से निवेदन हर बार यही होता है कि वोट प्रतिशत ही नहीं बढ़ रहा है, हर बार डाउन जा रहा है, तीसरे में बढ़ा तो चौथे में कम हो गया, तो वोट प्रतिशत बढ़े इसके लिए भी चुनाव आयोग को देखना चाहिए। लेकिन चार जगह से चुनाव आयोग, हमने देखा किस तरह से सुविधाएं दी जा रही मतदान केंद्र पर, अब तो इनाम भी दे रहा है ब्रजेश जी, प्रयास सफलता की ओर नहीं जा रहा। हमारी और आपकी जो चिंता है वो ये है कि हम और आप भी तो जनता से रोज अपील कर रहे हैं, डिबेट हो या हमारे आपके यहाँ कोई भी चर्चा होती है उसमें हम और आप यही प्रयास करते हैं कि देश की जनता मतदान करे और बढ़ चढ़ के मतदान करे। इलेक्शन कमीशन भी प्रयास कर रहा है, इसमें हमने कभी मना नहीं किया है। लेकिन राजनीतिक दल तो बकायदा प्रतिशत बढ़ाने का जतन कर रहा है नीरज जी, लेकिन संयुक्त प्रयास होना चाहिए, कर रहा है, इसमें कोई दोराय नहीं है कि सारे लोग प्रयास कर, लेकिन वोट प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है, ये क्यों नहीं बढ़ रहा है, इस पे कभी कोई चीज ध्यान नहीं दी जा रही है। दूसरी बात जो आपने कही कि चार लोग चार जगह से लड़े, तो हाँ निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन को ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो लोग दो जगह से लड़ रहे हैं तो एक जगह से अगर इस्तीफा देते हैं तो दूसरे जगह से उनको खर्चा दिया, खर्चा इलेक्शन कमीशन को दे, और वहां जो खर्चा हुआ है सरकार का है इलेक्शन कमीशन का वो जमा कराया जाए, जिससे इन सब चीजों को भी रोक लगे, खुद का चुनाव का और जो अगला चुनाव होगा उसका भी पैसा देना चाहिए। बिल्कुल, हम कह रहे एक ही जगह का ले ले, अभी दोनों जगह का ना, चूंकि वो लोकतंत्र उनके हाथ में है, ये सारे नियम कायदे कानून तो चूंकि संसद भवन में बैठ के बनाए जाते हैं, वो चूंकि अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, जो सुविधाएं आम आदमी को मिलनी चाहिए वो नेताजी को सारी मिल जाती है, वो तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जो 60 साल का बुजुर्ग आदमी है उसको सीट पे जगह नहीं मिलती है, ट्रेन में खड़े खड़े जाता है, और आप देखिए नेताजी के साथ चार गनर भी चलते हैं, वो बैठ जाते हैं, घेर लेते हैं, वो अलग बातें हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि देश में वोट प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है, ये बड़ी चिंता की बात है। और वोट प्रतिशत बढ़ाया कैसे जाए, ये इलेक्शन कमीशन भी प्रयास कर रहा है, और हमारी आपकी भी लोगों से यही अपील रहती है हर बार इलेक्शन में, और इस बार भी हमारी आपकी तरफ से जो लोग देख रहे हैं उन सबसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान कर रहे हैं, आप भी कोशिश कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल भी कर रहे हैं, चुनाव आयोग भी कर रहा है, हो सकता है जो जागरूकता बढ़ रही है धीरे धीरे बढ़े। अमर प्रताप सिंह भी जुड़े हैं हमारे संवाददाता हैं रायबरेली से। अमर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सुन रहे हैं। क्या मुद्दा है, राहुल गांधी का पलायन भी एक मुद्दा बन रहा है क्या? आप जिस तरह से प्रियंका गांधी नुक्कड़ सभाएं तक ले रही हैं, उसके पीछे क्या है, कोई डर है कांग्रेस को अमेठी जैसा रायबरेली में ना हो जाए? जी कहीं ना कहीं, क्योंकि रायबरेली में पिछले कुछ समय से रायबरेली में जो कांग्रेस पहले कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, कांग्रेस रायबरेली में पिछले विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हुई थी, और जिसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में डर की स्थिति तो बनी हुई है, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश सरकार के जो राज्य मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, वो 2019 के चुनाव में चुनाव लड़ चुके हैं। पहले रायबरेली में कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी लगातार यहाँ से 4-5 लाख के अंतर से चुनाव जीता करती थी, लेकिन पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में दिनेश प्रताप सिंह ने उनके जीत का अंतर कम कर दिया, महज 1,67,000 वोटों से वो चुनाव जीत पाई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में इस बार रायबरेली में डर की स्थिति तो जरूर देखी जा रही है। तो राज जी वो कह रहे हैं डर तो है कहीं ना कहीं, क्या यही वजह है कि सोनिया गांधी 1.5 लाख से ही जीत पाई तो वो राज्यसभा चली गई, और अब नुक्कड़ सभाएं करना पड़ रही है प्रियंका गांधी को, क्योंकि एक भी विधानसभा सीट आपके कब्जे में नहीं है? नहीं, ये बातें करने में अच्छा लगता है लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं रहता, सब देखा जाता है, और कहावत तो यह है कि जीत चाहे 1 वोट से हो, चाहे 1 लाख से हो, 10 लाख से हो, जीत जीत होती है, जीत रहे थे। और निश्चित रूप से इस बात को मान लीजिए कि रायबरेली और अमेठी से केएल शर्मा जी भी जीतेंगे और राहुल जी भी जीतेंगे, और मार्जिन का तो देखो ये तो अब वोट डलेगा तब पता चलेगा जीत, लेकिन बड़े नेताओं की लोकप्रियता भी पता चलती है ना उससे राज जी, राहुल गांधी 2-4-5-10 लाख से जीते तो लोकप्रियता पता चलती है उनकी। देखिए मेरी बात सुनिए, ये तो आप बात मान लीजिए कि जो रायबरेली हुई है उसमें जीत का अंतर बहुत बड़ा होगा, ये तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए जीत का अंतर, लेकिन आपके पास विधानसभा तो है ही नहीं, अभी हाल ही में चुनाव हुए उसमें तो गढ़े तुलता है।
नहीं, ये बात अलग है, विधानसभा नहीं है तो फिर ऐसा कुछ नहीं है कि विधानसभा में नहीं है तो वोट नहीं मिलेगा लोकसभा में, ये सब बेकार की बातें हैं। और अगर ऐसी ही बात थी तो प्रधानमंत्री जो मैंने तो ऐसी ऐसी जगह देख ली जहाँ प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, डिफेंस मिनिस्टर, हालांकि डिफेंस मिनिस्टर वगैरह कौन है मैंने आज तक नहीं पता चल पा रहा, दो ही मंत्री माने गए थे इनकी सरकार में, बाकी तो ये इनके प्रवक्ता तक कहते थे चैनलों में कि हमारे 30 से 35 नकारा सांसदों के टिकट काटे जाएंगे, तो मैं इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानता। जीत जीत है और निश्चित रूप से सनद रहे इस बात का, आज आप रहे 4 तारीख को मैं आप अगर हुआ तो अब चाहे 10 मिनट के लिए आऊंगा और आप ही से कहूंगा। मिश्रा जी जो सवाल उठाए थे उनके भी जवाब दे दीजिए कि पलायन कर गए अमेठी से राहुल गांधी और हारने के बाद एक बार भी नहीं आए, उससे ज्यादा तो वो बैंकॉक चले गए। देखिए एक और मेरी बात सुनिए, ये सवाल उठा सकते हैं, एक्चुअली क्या है, दिक्कत क्या है, इनके लिए एक कहावत सही होती है, शीशा जब भी देखिए उठाइए पहले देखिए फिर दिखाइए, ये लोग अपने को नहीं देखते हैं। आप ये बता दीजिए, अब इसका जवाब ये दे पाएंगे कि प्रधानमंत्री उड़ीसा में कह रहे हैं कि आप यहाँ हमें सीट दे दो, इसको नंबर वन प्रदेश बनाऊंगा, फिर अमित शाह कहते हैं तेलंगाना में कहते हैं कि आप हमें सीट दे दीजिए, मैं इसको पहले नंबर का प्रदेश बनाऊंगा, प्रधानमंत्री कर्नाटका में जाते हैं कहते हैं आप इसे मुझे दे दो, मैं इसे देश का पहला प्रदेश बनाऊंगा, तो पहले तो ये डिस्कस कर लेंगे झूठ। देखिए पहले मैंने पढ़ा था बचपन में कि गिरगिट को रंग बदलने में 7 से 9, 9.5 मिनट लगते हैं, इनको तो रंग बदलने में 7 से 9 सेकंड लगते हैं। लोकसभा सीट राज जी, वहां पे इतने बड़े बड़े प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी, नेहरू जी वहां से आए, राजीव गांधी वहां से, सोनिया गांधी वहां से, राहुल गांधी अब वहीं पहुंच गए, तो वो भी तो नंबर वन हो जाती ना अब तक देश के प्रधानमंत्री। अच्छा बता दें मुझे, लीजिए मैं कह रहा हूं, मुझे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है मुझे बता दीजिए रायबरेली में इन्होंने क्या करा, एक आध काम गिना दीजिए, लीजिए मेरा समय इनका। ठीक है मिश्रा जी बताइए, वो कह रहे हैं कि रायबरेली में आपने ऐसा क्या कर दिया कि जनता आपको चुने, विधानसभा में आपको दे दिया वहां से जनता, दाएं ना बाएं, मेरा समय ले रहे हैं, मैं दाएं बाएं नहीं जाने दूंगा। ठीक मिश्रा जी, उद्योग और बंद करवा दिए, वो नहीं कह पाए मैंने कह दिया, धूल चेहरे पे थी, शीशा पहुंचते रहे, क्या बात करें, फिर वही, मैं कभी सम्मेलन में नहीं आया, अब तो चले जाइए कहीं कभी सम्मेलन में, कभी सम्मेलन में यही आपका घमंड आपको चूर चूर करेगा। अरे यही घमंड आप देश के वोटर से कह रहे हो, चले जाइए, अरे देश का आपको पता है आज जो चुनाव चल रहा है उसमें मेरी और आपके नेता की हैसियत बराबर है, इनको ये देखना करने बता देंगे। रहा हूं मैं अभी तो ये कहना कि मेरा भी समय दे दो और बीच में हमारा ही समय लेने लगे। नहीं आपने क्या कह दिया, वो देख रहा था कहां पहुंच गया वहां, ये सुनने आया हूं मैं, मेरा समय कीमती है आपका, तो आप तो आप लोगों का तो समय है ही नहीं, कोई एंकर को अपना काम करने दीजिए, आप एंकर का काम मत, अभी तो उन्हीं का समय चल रहा है शर्मा जी, आपका समय आएगा कि नहीं आएगा ये तो 2024 के परिणाम बताएंगे, लेकिन फिलहाल मेरे पास समय नहीं है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो रायबरेली वो सीट है जिस पर पूरी देश की निगाह है, गांधी परिवार का हर वो शख्स, प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो, इंदिरा गांधी की बात हो, राजीव गांधी की बात हो जहाँ से प्रतिनिधित्व करते रहे, फिरोज गांधी भी, और सोनिया गांधी के बाद अब ये विरासत को संभालने पहुँचे हैं राहुल गांधी। सबकी नज़र है कि राहुल गांधी विरासत संभाल पाएंगे या नहीं, ये तो परिणाम बताएंगे। बहरहाल सत्ता के महासंग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।